पर ये इल्जाम भी तो है कि अखिलेश लौटेंगे तो गुंडा राज लौट जाएगा, अखिलेश लौटेंगे तो कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी, इसका जवाब क्या है आपके पास? डेट में भारतीय जनता पार्टी जितना गुंडा राज कायम कर चुकी है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि घर में निकाल देंगे, जबकि माननीय ओम प्रकाश राजभर, माननीय अखिलेश यादव कह रहे हैं भर्ती निकालेंगे। सेना की तरफ तो भर्ती नहीं निकाल पाए, पुलिस की भर्ती नहीं निकाल पाए, शिक्षक भर्ती में घोटाला कर दिए, पेपर लीक करा दिए, क्या ये पूर्वांचल के लोग भूल सकते हैं? ये एक तो बड़ा मसला है जी, 5 किलो राशन देके किसानों का 5 क्विंटल अनाज खराब कर दे रहे हैं। पर एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी तो खड़ी कर ली उन्होंने, लाभार्थियों की एक नई अपने साथ कॉन्स्टिट्यूएंसी पूरी खड़ी कर ली है। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को अनाज मिल रहा है मुफ्त का, उनके खातों में पैसे जा रहे हैं, उनसे मदद मिली है कोरोना काल में। नहीं देखिए क्या है कि अपना पगड़ी अपना उतार के किसान को थमा दे रहे हैं कि आप 150 जो 450 का सिलेंडर 1000 किए वो कहां से लेकर के दे रहे हैं? सरसों का तेल 200 रुपया लीटर बेचवा रहे हो, किसका दे रहे हैं? आपका टैक्स का पैसा आपको लौटा करके आपको 500 थमा दे रहे हैं। तो ये पूर्वांचल के लोगों को नौकरी देने की बात हुई थी ना, पूर्वांचल के लोगों को फ्री बिजली देने की बात। अगर पूर्वांचल के लोग नाराज होते तो प्रधानमंत्री के रोड शो में इतने लोग इकट्ठे होते क्या? जबरदस्त भीड़ दिखाई दी है हमेशा की तरह। लोगों को बुलाया जाता है और कई जिले को लोगों को पूरी खिलाने के नाम पर 500 रुपया देने के नाम पर। तो ये इल्जाम तो मैं आप पे भी लगा सकता हूँ, ये इल्जाम तो मैं सपा पे भी लगा सकता हूँ, बुलाए जाते हैं। लेकिन माननीय अखिलेश यादव को परिवर्तन के नाम पर, बदलाव के नाम पर लोग अपना पैसा लगाकर अपनी गाड़ी करके स्वतः जनता बन भीड़ लगा करके आ रहे हैं, ये संकल्प लेकर कि हमको सरकार बनानी है। और ओम प्रकाश राजभर जी और माननीय अखिलेश यादव जी सरकार बनाते हैं। अच्छा एक बात का जवाब दीजिए, आपने बहुत बातें की, काशी विश्वनाथ में जाके मंदिर में जाके राजभर साहब, काशी विश्वनाथ धाम में जाके मंदिर में जाके बाबा के दर्शन किए, पूजा अर्चना की प्रधानमंत्री ने, सुबह राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा भी गए थे, अखिलेश यादव जाएंगे क्या? आप चाहते हैं वो जाए? क्या है देखिए क्या है कि उत्तर प्रदेश में जिस सीट पर अभी यात्रा कर रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी, वो महान मृत्युंजय के बहुत बड़े मठाधीश हैं और उनको प्रत्याशी बनाया है जो पूरे बनारस के लोगों को आशीर्वाद देते हैं और किशन दीक्षित के क्षेत्र से शुरुआत किए हैं। यही तो माननीय प्रधानमंत्री जी आके कहते हैं मैं गंगा माँ ने बुलाया है, लेकिन गंगा को मैली बना के छोड़ दिया। आज भी गंगा साफ नहीं हो पाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गंदगी जरूर साफ हो गई। 450 करोड़ का टर्नओवर 4,500 करोड़ तक पहुंच गया, यही तो विकास भारतीय जनता पार्टी हुआ और बनारस के लोगों के साथ धोखा हुआ। प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज पर पहुंचाएंगे, लेकिन हवाई जहाज मेरे साथ राजभर जी भी लौटते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी एक बार फिर लाइव तस्वीरें देखते हैं। अंकित गुप्ता जुड़ गए, अंकित गुप्ता मौजूद है अखिलेश यादव के रोड शो के बीच में। अंकित कहाँ हैं आप और क्या देख पा रहे हैं? अंकित सुमित, जहां से ये रोड शो शुरू हुआ है मैं उसी पॉइंट पर हूँ जहां पर से अभी मैं मौजूद हूँ। यहाँ से करीबन जो है 100 मीटर आगे बढ़ा है, देखिए सामने मंच है, वहां पर अभी अखिलेश यादव का जो रोड शो है वो पहुंचा हुआ है। लेकिन सुमित अगर मैं, क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भी कवर किया है और अखिलेश यादव का भी कवर कर रहा हूं, दो अगर मैं बुनियादी डिफरेंस की बात करता हूं तो जो सबसे बड़ा मेरे को अंतर नजर आ रहा है वो ये है कि जब प्रधानमंत्री ने अपना करीबन 3.5 किलोमीटर लंबा जो रोड शो किया है उस दौरान प्रधानमंत्री, हमने देखा था कि जो उनकी गाड़ी थी जो सनरूफ होती है उसके बीच में वहां खड़े हुए थे और लगातार लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। अखिलेश यादव ने ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां पर मैं मौजूद हूं, अपना जो उनका रथ है चुनावी रथ उसके ऊपर आए, करीबन 5-7 मिनट रहे, लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, उसके बाद वो बस के अंदर आए जो उनका चुनावी रथ है और अब वो अगली सीट के पास में बैठे हुए हैं और हाथ हिला करके लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो एक जो अंतर है कि प्रधानमंत्री लगातार गाड़ी के ऊपर खड़े होकर के लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, अखिलेश यादव बस के अंदर बैठ करके हाथ हिला करके लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं एक वाक्य बताना चाहूंगा, अभी जब मैं यहाँ पर ही था तो मैंने ऐसे ही कहा कि देखिए सुबह जो राहुल गांधी प्रियंका गांधी गए, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए और अब चर्चा है कि अखिलेश यादव भी काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, तो यहाँ जो है एक दो लोग जो है अनन्यास ही बोल पड़े। उनका कहना था कि इससे समझ लीजिए ना कि चुनाव जो चल रहा है, तो लोग भी समझते हैं कि जब मंदिरों के जो है नेता चक्कर लगाने लगे, वो अमूमन आम दिनों में नहीं होता है कि अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता एक ही दिन जो कुछ ही घंटों के अंतराल में एक ही मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो अभी 3 दिन बाद मतदान है और कल चुनाव का ये जो है एक तरीके से जो एक करीबन एक महीना लंबा चुनाव था उसके ये इसका जो कैंपेन है उसका आखिरी दिन है। तो कुल मिलाकर के आज फिर चाहे कांग्रेस हो,
बीजेपी हो या हो समाजवादी पार्टी, सभी ने पूरा जोर लगाया है चुनाव प्रचार में वाराणसी में। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।